आज स्पाइडरमैन का मूवी देखते देखते अचानक मेरा दिमाग में ख्याल आया कि मुझे मैं एक वेब शूटर बनाऊँ ऐसे स्पाइडरमैन की तरह। और देखते दिमाग में तो आइडिया आ रहा है, क्यों ना मैं बनाऊँ एक वेब शूटर जैसे स्पाइडरमैन फेंक रहा था अपने हाथ से। तो चलो चलते एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, और एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रेटलाइन एक्सपेरिमेंट पे। तो एक नया एक्सपेरिमेंट आप सब लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से हम पहले ही बोल देते हैं, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेके ही करते हैं। आप लोग ऐसे कभी घर पर या कहीं पर कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग जो कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में ऐसे मजेदार एक्सपेरिमेंट का वीडियो आए तो कभी मिस ना हो। तो वीडियो का थंबनेल देख आपको पता ही चला होगा कि हम क्या बनाने चल रहे हैं। तो चलो चलते वेब शूटर बनाते हैं। तो देखिए ये एक पेन है, नॉर्मल पेन है, ऐसे ही पड़ा था, मैं इसको लेके आ गया हूँ। तो इसको पहले खोल लेते हैं, इसका रिफिल है और इसका स्प्रिंग है। तो इस पेन को मुझे बीच में से काट लेना पड़ेगा। तो मार्कर से यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कहाँ से मैं काटूँगा। इस पेन को मुझे दो हिस्सों में काट लेना पड़ेगा। तो इधर पे मैं काट लूँगा, देखिए पेन को मैं मार्किंग दे दिया हूँ और इसको मैं अब ब्लेड की मदद से आस्ते 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 काट दूँगा, अच्छी तरीके से दो हिस्सों में काट दूँगा। तो देखिए इसको दो हिस्सों में काट लिए है, देखिए एक बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है। ये बॉडी है और ये उसका जो पेन का जो हेड वाला पोर्शन था वो नीचे पड़ा है, देखिए बॉडी। और यहाँ पे मुझे और एक मार्किंग करना होगा, देखिए इधर पे ये पे मुझे और एक छेद बनाना पड़ेगा। तो कैंडल जला लेते हैं, हम हीट के मदद से इसको गला देंगे, एकदम छोटा से छोटा करके गला देंगे। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग, देखिए इधर पे मैं करने वाला हूँ। तो एक ऐसे आयरन का क्या बोले, आयरन का पीस को मैं ऐसे गर्म कर रहा हूँ और उसमें ऐसे दूंगा तो वो गल जाएगा, एक छोटा सा होल बन जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए थोड़ा ऊपर उठ गया प्लास्टिक गलने की वजह से। तो इसको मैं काट लूँगा और देखिए एकदम ये एक प्लेन हो जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से इसको मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ, जो कि जब मैं इसको हीट किया था तो इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा ऐसे ऊबड़ खबड़ हो गया था। तो इसको अच्छी तरीके से मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ। और अब स्प्रिंग को मुझे छोटी हिस्सा में काट लेना पड़ेगा। तो कैंची की मदद से इसको काटते बहुत सख्त है, तो काट लेते हैं। तो देखिए छोटा हिस्सा में मैं स्प्रिंग को काट लिया हूँ, एकदम छोटा हिस्सा में। और इस गम की मदद से मैं उस स्प्रिंग को मैं चिपका दूंगा। तो इसको जल्दी से काट लेते हैं गम को, देखिए फेवी क्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है और किसी भी सरफेस को ये आपस में जोड़ सकता है। तो इसको इस तरीके से जो छेद बनाया है उसके एकदम डायगोनली एकदम ऊपर उसको चिपकाना होगा। अच्छा, तो देखिए एकदम इसको ऊपर को अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, देखिए देखिए एकदम ऊपर। और इसको थोड़ा और फेवी क्विक के मदद से एकदम सटा देंगे ताकि ये ना खुले। और तो इसको थोड़ी देर सूखना देना पड़ेगा क्योंकि ये अभी कच्चा है। तो इसको थोड़ा इधर रखते हैं और इसको थोड़ा सूखने देते हैं। तो आप मुझे कार्डबोर्ड लगेगा, एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस, और उसको मैं अच्छी तरीके से काट लूँगा। तो देखिए इसको पहले शेविंग कर लेते हैं, मतलब साइड का जो भी अनवांटेड पार्ट्स है उसको हटा देते हैं पहले। अब इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो जा रहा है, मुझे पतला से कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। तो देखिए ये वाला पीस मैं यूज़ करूँगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से ठीक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं स्केल से मार्किंग, तो और थोड़ा काट लेते हैं। मार्किंग लेने से पहले मुझे एकदम फाइन स्ट्रिप वाला चाहिए, इसका ब्रेथ बहुत ही कम होना चाहिए। देखिए रेक्टेंगुलर शेप में मैं इसको काट ले रहा हूँ, एक बहुत ही लंबा रेक्टेंगल है तो जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है और ब्रेथ बहुत कम है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको काटा हूँ और इसको अब मुझे मार्किंग देना पड़ेगा। तो दो मार्किंग लूँगा मैं 2 सेंटीमीटर का और दो लूँगा 1.5 सेंटीमीटर का। तो इसको अच्छी तरीके से मार्किंग ले लेते हैं इस मार्कर की मदद से। तो अब इस मार्किंग को मैं काट लूँगा अच्छी तरीके से।
तो देखिए वेब शूटर का जो स्प्रिंग में इसको फेविक्विक देके चिपका रखा था उसको मैं सूखने दिया था और फिलहाल सूख चुका है। अब बारी है इसको कार्डबोर्ड से चिपकाने का। तो कार्डबोर्ड को मैं पहले तो गम से कार्डबोर्ड को मैं फिलहाल इस तरीके से कुछ चिपका दे रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको चिपका देते हैं। देखिए स्प्रिंग के ऊपर थोड़ा गम लगा देते हैं और उसमें इसको अच्छी तरीके से चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से। और बाकी कार्डबोर्ड का पीस को उसके ही बगल में मैं चिपका दूंगा कुछ इस तरीके से, ताकि एक बटन जैसा मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ताकि जो इसको मैं जब दबाऊँ तो वेब शूटर जो का वेब है वो निकल जाए। तो देखिए बहुत मशक्कत हो रहा है इसको चिपकाने में, बार बार ये चिपका जा रहा है। तो देखिए ये तो नीचे चिपक गया था, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से नीचे फाइनल टच दे देते हैं और इसको स्प्रिंग के ऊपर मैं चिपका दूंगा। तो अब मुझे पेन का रिफिल का जो नीचे वाला पोर्शन उसके थोड़े पार्ट काट लेना होगा, तो इसको बाकी जो कार्डबोर्ड का पीस है उसका नीचे मैं से चिपका दूंगा। तो ये एक स्टॉपर की तरह काम करेगा, जब मैं इस बटन को दबाऊँ तो तभी वेब शूटर शूट करे, बाकी टाइम ये बंद रहे। तो ये स्टॉपर की तरह काम करेगा। तो इसका नीचे मैं इसको देखिए तो छेद बनाया है, उसके अंदर इसको मैं ऐसे घुसा दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा छेद ज़्यादा छोटा है तो इसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको कर दिए है फिलहाल। और अब इसके ऊपर मैं इसको चिपका दूंगा गम के मदद से, इस स्प्रिंग के ऊपर इसको ऐसे। और नीचे से उस कार्डबोर्ड का पीस को चिपका दूंगा, देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये मेरा एक पूरा बटन के जैसा हो गया है, जब मैं इसको दबाऊंगा तभी वेब शूटर शूट करेगा, बाकी टाइम ये ऐसे नॉर्मल स्टेज में रहेगा। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए चिपका दिया है, और आप देखिए कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो देखिए ये फिलहाल चिपक गया है, और देखिए जब मैं इसको दबा रहा हूँ तो नीचे जो स्टॉपर है वो नीचे जा रहा है, देखिए किस तरीके से, देखिए। और जब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ वो फिर से ऊपर आ जा रहा है। और अब मुझे इसका नीचे वाला पोर्शन को बनाना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक ऐसे रबर बैंड लगेगा मुझे, और इस रबर बैंड को काट लेना पड़ेगा कैंची की मदद से। तो काट दे रहे, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे रख के एक ब्लैक कलर का धागा से मैं इसको बांध दूंगा, क्योंकि मैं ब्लैक स्पाइडरमैन देख रहा था और ब्लैक स्पाइडरमैन का ही मैं वेब शूटर बनाऊंगा, और हर चीज़ इसमें ब्लैक होना चाहिए। मगर मेरा जो रबर बैंड है और वो कार्डबोर्ड वो तो ब्लैक नहीं मिला मुझे, मगर क्या है उसको कलर कर देने से ब्लैक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से मैं फिलहाल इस पर चिपका देता हूँ अच्छी तरीके से, देखिए अच्छी तरीके से एकदम टाइट करके इसको एकदम धागा से बांध दूंगा और इस धागा को मैं काट दूंगा। और इसको टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फेविक्विक से चिपका दूंगा, बहुत इजीली चिपक जाएगा। और देखिए तो जिस तरीके से मैं फेविक्विक से इस धागा को एकदम टाइट कर दे रहा हूँ, एकदम टाइट करके चिपका दे रहा हूँ। और ये देखिए मुझे एक ऐसा स्ट्रॉ का लगेगा ज़रूरत होगा, तो ये नॉर्मल वुड का स्ट्रॉ है। तो इस वुड का नीचे वाला पोर्शन से मैं इस रबर बैंड को बांध दूंगा कुछ इस तरीके से, देखिए। तो देखिए अब इसको धागा से ब्लैक कलर का धागा से अच्छी तरीके से बांध दूंगा, देखिए इसको ऐसे इस तरीके से लेके अच्छी तरीके से एकदम जोर जोर से बांध दे रहा हूँ, ताकि ये ना निकले रबर बैंड से ना निकल जाए शूट करने के बाद। तो इसको देखिए अब काट दूंगा इसको भी। तो मेरा जो बॉडी का पोर्शन है वो फिलहाल रेडी हो चुका है, और अब मुझे बनाना पड़ेगा वेब शूटर को रखने के लिए नीचे जगह। तो देखिए इसको खोल दिया हूँ नीचे वाला जो स्टॉपर था, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रहा है काम करने में, तो उसको पहले खोल दिया हूँ और बाद में उसको चिपका दूंगा। अभी नीचे वाला जो पोर्शन है वेब शूटर का वो मुझे पहले बनाना पड़ेगा। तो यह पे मैं गम देके वो जो पेन का दूसरा वाला पोर्शन है जो मैं उसको रखा था हेड वाला पोर्शन, उसको मैं इधर चिपका दे रहा हूँ इस तरीके से।
देखिए कुछ जिस तरीके से चिपका दे रहे हो अच्छी तरीके से एकदम। और अब वो स्टॉपर भी मुझे चिपका देना होगा नीचे। स्टॉपर की वजह से काम करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए इसको मैं खोल के रखा था और फिर मैं इसको चिपका दे रहा हूँ नीचे इस तरीके से। अब वेब शूटर का वेब बनाने के लिए मुझे लगेगा एक लकड़ी का स्ट्रॉ एकदम छोटा, और इसको मुझे अच्छी तरीके से पॉलिश कर देना पड़ेगा। तो देखिए, क्योंकि अगर ये चिपक गया तो वेब शूटर फायर ही नहीं होगा, तो इसको अच्छी तरीके से एकदम पॉलिश कर दे रहा है। तो देखिए मेरा हाथ में लग गया था पर कटा नहीं। इस तरीके से ना करना ही अच्छा है, मगर मुझे कुछ दूसरा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ब्लेड से ही इसको अच्छी तरीके से पॉलिश कर दे रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से पॉलिश कर रहा हूँ। देखिए ये अंदर घुस गया है और अब ये रेडी है फिलहाल, और अब मुझे इसका वेब बनाना होगा। तो वेब बनाने के लिए मैं ब्लैक स्पाइडरमैन देख रहा था, इसलिए मैं ब्लैक कलर का ही थ्रेड का यूज़ करूँगा। तो ये 3D बनेगा मेरा वेब। तो अच्छी तरीके से इसको ले लेते हैं। तो मेरा वेब फिलहाल रेडी है, देखिए यही है मेरा वेब, और मेरा शूटर भी रेडी है। और इसको लास्ट काम बचा है इसको थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। तो एक ग्रीन कागज़ ले लिया और इसको कटिंग कर ले रहा है, और इससे ही मैं डेकोरेशन करूँगा। थोड़ा ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, एकदम थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगा। इधर पे थोड़ा इसको चिपका दूँगा गम के मदद से, देखिए इस तरीके से अच्छा लगता है। एक जब एक छोटा सा एक हाईलाइटिंग पोर्शन होता है देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए इसको लगाया है। मगर नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं होगा, जस्ट अच्छा लगने के लिए इसको लगाया है। तो मेरा वेब शूटर फिलहाल रेडी है, फिर इसको लोड करेंगे और फायर करेंगे। तो चलो चलते इसको फायर करते हैं। तो ये है मेरा वेब शूटर, लोड कर ले रहे हैं इसको, डार्ट को ऐसे खींच के स्टॉपर के उधर ऐसे लगा दे रहे हैं रास्ते से। तो देखिए स्टॉपर जो मैं पेन का नीचे से रिफिल का जो नीचे का प्लास्टिक से मैं स्टॉपर बनाया था उसके ऊपर इसको मैं जाके अटका दे रहा हूँ डार्ट को, और इसमें मैं वेब शूटर का जो वेब है उसको इसको मैं डाल दे रहा हूँ। और देखिए इसको फायर करते देखते कैसा जाता है। तो चलो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो चलते। देखिए देखिए कितना अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा सा गया, देखिए पूरा एकदम वेब जैसा गया है। और एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या होता है, और इस बार स्लो मोशन में भी देखेंगे इसको। तो टारगेट लग दिया है उधर, और उधर पे ही फायर करेंगे, देखते हैं। इसको पहले लोड कर लेते हैं। तो फिलहाल मेरा वेब शूटर लोडेड है, और अब इसको फायर करेंगे उस टारगेट पे। तो मेरा वेब को मैं इधर डाल देता हूँ, ये देखिए मकड़ी का जाला है, ये सूतला मकड़ी का जाला का जैसा है, ब्लैक स्पाइडरमैन का मकड़ी का जाला। तो इसके अंदर डाल दिया है, और ये फिलहाल लोडेड है। तो चलो इसको अब फायर करते हैं। इस धागा को थोड़ा कर्ल करके सेकेंड वाला जो कैप है जिसमें मैं पेन का हेड पोर्शन से बनाया था उसमें थोड़ा कर्ल करके घुसा देता हूँ, नहीं घुसेगा तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल चलो इसको फायर करते हैं। देखिए 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 कैसे गया, देखिए पूरा असली वेब शूटर जैसा गया, पूरा आखिरी मकड़ी का जाला। अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा ये धागा होता तो मैं इधर इसको इधर से खींच सकता था,
तो और एक बार ट्राई करेंगे, इस बार पूरा असली तरीके से ट्राई करते हैं। इस एंड में मैं सुतली को ऐसे कर्व करके घुसा दे रहा हूँ और डार्ट को लोड कर लेता हूँ। देखिए इसको अच्छी तरीके से लोड करना पड़ेगा। और इसको इधर अंदर घुसा दे रहे हैं और ये फिलहाल रेडी है, तो चलो फायर करते हैं। ये वाला टारगेट में नहीं लगा, साइड से निकल गया, मगर मेरे जो वेब शूटर है ये बहुत कमाल का बना है। आपको कैसा लगा जाके नीचे कमेंट कीजिए वीडियो का कमेंट सेक्शन में। और इसको मैं हाथ में भी ऐसा रख सकता हूँ और रख के ऐसे चला सकता हूँ, पूरा असली वेब शूटर के जैसा लगेगा। मैं एकदम जुगाड़ू तकनीक से इसको बनाया हूँ, कैसा लगा आपको नीचे जाके कमेंट करो। तो इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेजेबल जानने को मिला हो, तो वीडियो को जाकर एक लाइक कर दो। इस तरीके से मजेदार एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखना हो तो रेटलर एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज का वीडियो फिर इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो रुको, जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेटलर एक्सपेरिमेंट चैनल का फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो फिर इतना रखते, तो मिलते किसी एक्सपेरिमेंट में। तो टाटा, बाय बाय, थैंक्स ऑल। Oh, oh, oh.